दीपावली के त्योहार पर लगने वाले पटाखे की दुकानों को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। साथ ही जो अवैध रूप से पटाखे की बिक्री करने वाले व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं उनके ऊपर भी पुलिस नजर रख रही है। इस संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि अवैध रूप से पटाखा बिक्री करने वालों के खिलाफ कोतवाली सर्किल क्षेत्र में पुलिस पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। साथ ही कोतवाली थाने में एक अवैध पटाखा व्यवसायी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। उन्होंने बताया जो चिन्हित अवैध पटाखा व्यवसायी है उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, पूरी तरह से पुलिस सतर्क है और अभी थाना कोतवाली में 14 कार्टून पटाखे जो है बरामद हुए हैं, जिसमें से एक डिफॉल्टर लाइसेंसदारान है जो फर्जी अभी भी पुराने अपने पिता के नाम पर कंपनी चलाता है। वो लाइसेंस ला वो पटाखे ला रहा था जिसको पकड़ा गया है। जेल भी एक आदमी को भेजा जा चुका है कि गिरफ्तारी शेष है, उसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त जो पूर्व से भी चिन्हित हैं उन पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हमारे कोतवाली सर्किल के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अवैध पटाखे की बिक्री अभी तक किसी को अनुमति नहीं दी गई है। जो टेम्परेरी पटाखे की अनुमति लेते हैं जो टाउन हॉल एरिया में लगाते हैं, अभी तक किसी के द्वारा मांग नहीं की गई है। और यदि इस तरह के कोई आएंगे तो जो भी प्रोसीजर है उसकी प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर उन पर खास निगाह है जो भी चिन्हित लोग हैं, और इस बार यदि प्रकाश में आए तो उनको गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी जेल भेजा जाएगा।